तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक मैथ्स फिजिक्स के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है। तो फिजिक्स के लिए जो रिक्वायर्ड है उस सीक्वेंस में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा में हम लोगों ने काफ़ी बातें की हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट किया था, उसके पहले थोड़ा फंक्शन की बात की थी, देन हम लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन को डिस्कस किया था, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ फिजिक्स में क्या है मैंने वो बताया था तुम्हें, देन वी डिस्कस्ड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में दो प्रोग्रेशन मैंने डिस्कस किए थे, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, क्योंकि हमें मोस्टली फिजिक्स में यही जरूरत पड़ती है। तो उसमें भी कुछ केसेस मैंने लिए थे, इनफाइनाइट सीरीज होगी जीपी में तो कैसे डिस्कस करेंगे, सम ऑफ द एन टर्म्स एंड टू फाइंड एनथ टर्म, है ना, तो ये सारे दोनों सीरीज के बारे में बातें की थी। देन हम लोगों ने स्टार्ट किया था लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो लॉग क्या होता है, क्या यूज है उसका, कैसे हम लॉग की, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, एंड उसमें स्पेशल एक बताया था मैंने टू चेंज द बेस ऑफ अ लॉग, तो हमने काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी किया हुआ है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे मैंने बताया था, इन ट्रिग्नोमेट्री वी डील विद व्हाट एंगल्स एंड देयर रेशियोज ऑफ राइट एंगल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो वो हमने बात की थी। तो उसमें उसी सीक्वेंस सबसे पहले मैंने बताया था व्हाट इज एंगल। तो मैंने बताया था एंगल क्या होता है, तो मैंने बताया था अगर एक ले मैन की तरह सोचे तो एंगल इज नथिंग बट ओपननेस एंड क्लोजनेस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, जो दोनों एक जगह पे मिलेंगे उसको वर्टेक्स बोलेंगे। ये दो लाइन से समझो, ये लाइन बेस हो जाएगी, इस लाइन को मूव करेंगे। तो एक्चुअली एक कन्वेंशन ऐसा बनाया गया है कि अगर तुमने एंगल को मेजर किया, ये तुम्हारी रेफरेंस लाइन हो जाएगी, ये लाइन यहां से मूव की है, तो इसको मैंने बताया था कुछ ऐसे होगा, जैसे ये ऐसे बेस और ये ऐसे था पहले, तो ये ऐसे उठ के गया होगा, देखो ऐसा। तो जब ये वाली लाइन, जब तुम एंगल मेजर करते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ऐसे जा करके, तो ये मैंने क्या बताया था, ये थीटा क्या लेते हो, पॉजिटिव एंगल लेते हो, पॉजिटिव एंगल। जैसे सपोज 30 डिग्री है, 30 डिग्री मतलब सपोज दिस एंगल बिटवीन दिस टू लाइन इज 30 डिग्री, तो +30 लोगे ओ ए बी, बट सपोज इस लाइन को तुमने नीचे शिफ्ट कर दिया, ऐसे कुछ कर दिया, तो ये समझो बी डैश हो गई। तो नाउ ओ ए एंड ओ बी के बीच में, तो यहां से तुम किधर जाओगे, क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी के साथ चलते हैं ना, जैसे 12 1 2 3 ऐसे होता है ना, क्लॉक घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। अगर ऐसे कोई चीज घूमेगी तो एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम इस लाइन, रेफरेंस लाइन से इस लाइन तक पहुंचने के लिए तुमने कैसे मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज। और नीचे इस लाइन तक जाने के लिए रेफरेंस लाइन से तुमने कैसे मूव किया, क्लॉकवाइज। तो कुछ नहीं है, कन्वेंशन है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। तो समझो ये भी 30 डिग्री है, एंगल बिटवीन दीज टू लाइन इज 30 डिग्री, बट ये नीचे की तरफ है, तो इसको हम लोग कन्वेंशन में -30 डिग्री लिख देते हैं, है ना, एंगल विद माइनस साइन। व्हाट रिप्रेजेंट माइनस एंड प्लस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ या सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस एंड प्लस इज ओनली दैट दिस लाइन इज बिलो द रेफरेंस लाइन एंड दिस लाइन इज अबव द रेफरेंस लाइन, बट एंगल बिटवीन दीज टू लाइन आर सेम। यहां भी 30 डिग्री है, यहां भी 30 डिग्री है, ऐसा नहीं है कि सर ये -30 छोटा होगा +30 बड़ा होगा, ऐसा होता है क्या? नो, समझ में आ रही है? +30 एंड -30 सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है दोनों, लेकिन -30 क्लॉकवाइज आके मेजर किया तुमने इसको +30। अच्छा देखो, कोई मेरे को बता सकता है ए और ओ ए और ओ बी के बीच में एक और एंगल है, ओ ए एंड ओ बी के, ओ बी डैश के बीच में, कोई बता सकता है वो कौन सा एंगल है? देर इज अनदर एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी डैश, कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट एंगल? यस, गुड। कैसे देखो, देखो इधर देखने का नजरिया चाहिए सिर्फ, ओ ए इज दिस, ओ बी इज दिस, ओ बी डैश इज दिस। तो मैंने क्या बोला, देखो सिर्फ लाइन तो ओ बी डैश है, तो ओ ए रेफरेंस लाइन है, उससे तुम नीचे की तरफ आ रहे हो क्लॉकवाइज, ऐसे तुम गए, तो ये 30 -30 डिग्री हो गया, बट तुम ओबी डैश तक पहुंचने के लिए क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते थे। कैसे एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, देखो यहां से स्टार्ट करो, ऐसे जाना स्टार्ट करो, देखो देयर इज अ टू वे टू रीच ओबी डैश फ्रॉम ओए, हाउ, ओए डैश से क्लॉकवाइज जा सकता हूं मैं, एंड या फिर ओए से एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ पहुंच जाऊं मैं। तो यार ये भी तो एंगल ही है ना दोनों के बीच में,
गेटिंग माई पॉइंट? ये भी तो एंगल है. तो जब तुम यहां से पहुंचे हो ऐसे, है ना, यहां से स्टार्ट किया, तो ये देखो तुम कैसे जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज. तो ये एंगल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. तो ये एंगल कितना होगा बता सकते हो? टोटल एंगल, मैंने बताया था टोटल एंगल घूम करके अगर तुम आ जाओगे फुल सर्कल में तो 360 होता है. तो ये पूरा एंगल यहां से स्टार्ट करो ऐसे पहुंच जाओ 360, बट दिस एंगल इज 30 डिग्री. तो यहां से ये एंगल कितना हो गया? 360 minus 30, that is 330 degree. बट पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस 330 और माइनस 330? पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि OA से तुमने एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट किया है. 330 को मेजर करने के लिए देखो तुम इधर जा रहे हो ना, ऐसे देखो ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो कि नहीं? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो. ये पहुंच गए तुम यहां पे, तो यहां से स्टार्ट किया ऐसे गए, ये चीज. तो ये एंगल हो जाएगा प्लस 330. और देखो एक, चलो एक और देख लो थोड़ा अलग से. दो लाइंस, दिस इज ओ ए एंड दिस इज बी. एंड मैंने बोला कि ये जो एंगल है ना, एंगल बिटवीन दीज टू इज 60 डिग्री. ओके, ऐसा पकड़ लेते हैं. तो मुझे बताओ विद साइन मेरे को ओ ए, तो ओ ए से रेफरेंस लाइन ओ ए टू ओ बी क्लॉकवाइज गए या एंटी क्लॉकवाइज गए? तो तुम बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज गए हैं. तो एंटी क्लॉकवाइज गया है तो थीटा क्या होना चाहिए? प्लस 60 डिग्री. लेकिन मैं बोलूंगा नहीं नहीं, देयर इज अनदर एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी. कैसे? देखो अगर मैं तुमसे बात करूं, तुम देखो ऐसे मेजर करो इसको, लाइन को चेंज मत करो, लेकिन ओ ए से पीछे की तरफ स्टार्ट करो. वहां पहुंच गए, बी पे पहुंच गए, करेक्ट है ना? पहले तुम किधर गए? इधर गए थे, यहां से ऐसे गए थे डायरेक्ट शॉर्टकट. तो दैट इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट. बट अभी तुम ओ ए से स्टार्ट किए हो, पूरा घूम कर आए हो, पहुंचना ओबी तक ही है, पहुंचना ओबी तक ही है. बट देयर इज टू वे टू रीच ओ बी फ्रॉम ओ ए, वन इज शॉर्टकट एंड सेकेंड वन इज लॉन्ग कट. शॉर्टकट क्लॉकवाइज है, लॉन्ग कट, सॉरी शॉर्टकट एंटी क्लॉकवाइज है, लॉन्ग कट क्लॉकवाइज है. तो अब देखो ये एंगल, पहले मैग्नीट्यूड निकालते फिर प्लस माइनस, बाद में करेंगे प्लस माइनस, ठीक है? तो देखो मुझे बताओ अगर यहां से स्टार्ट करके तुम पूरा घूम के आते तो 360 होता. तो ये जो एंगल है ध्यान से देखो, यहां से स्टार्ट किया, ये जो एंगल होगा ये टोटल कितना होना चाहिए? तो थीटा ओवर थीटा डैश कर देता हूं, तो टोटल 360 है. तो टोटल 360 होता, बट ये माइनस करते, ये तुमने गैप किया, तो माइनस 60 डिग्री माइनस करना पड़ेगा. तो टोटल कितना हुआ? 300 डिग्री. बट अब बताओ, अब प्लस माइनस लगाएंगे, तो तुमने ये एंगल जो मेजर किया है ये कैसे किया है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. क्लॉकवाइज में क्या होना चाहिए? माइनस है. तो बोथ आंसर आर करेक्ट, बोथ आंसर आर करेक्ट. इफ आई से, वन सेकंड, if I say angle between OA and OB is plus 60, it's correct. If I say angle between OA and OB is minus 300, it's also correct. Getting my point? There is two way. समझ में आ रही बात? जैसे देखो कोई भी चीज देखो यार, जैसे मेरे दो हाथ देखो ऐसा, ठीक है? मैंने ऐसे किया ये, या ऐसे कर लो, ठीक है? तो तुम जो मुझे देख रहे हो, मेरे दोनों हाथों के बीच में एक एंगल दिख रहा है, ये वाला, ठीक है? तो ये एंगल है. लेकिन अगर कोई पीछे से देखे मुझे, बैक साइड से, तो पीछे से देखेगा तो बोलेगा सर ये आपके हाथ के पीछे बड़ा एंगल है, तुमको छोटा एंगल दिखेगा मेरे हाथ में. वही सेम लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है. लेकिन अगर मेरे को कोई सामने से देखेगा तो कुछ और एंगल देखेगा, पीछे से देखेगा तो कुछ और एंगल देखेगा. गेटिंग माई पॉइंट? दोनों एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. समझ में आ रही तुम्हें बात? तो इसीलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर दो एंगल कैसे हो सकता है. हो सकता है जैसे हम लोग देख रहे हैं ना, तुम देखो ना, तुम सामने से देख रहे हो, रेफरेंस पॉइंट कैसा है, रेफरेंस कैसा है तुम्हारा, इस बात पे डिसाइड होगा. ओके, तो कब होगा? जब क्लॉकवाइज मेजर करोगे. सी डब्ल्यू मतलब क्लॉकवाइज, तो एंगल विल बी पॉजिटिव एंगल, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ना. एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो पॉजिटिव एंगल, एंड क्लॉकवाइज करोगे तो नेगेटिव एंगल. ए सी डब्ल्यू मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया देन एंगल विद पॉजिटिव साइड, एंड क्लॉकवाइज मेजर किया तो एंगल विल बी विद नेगेटिव साइन. ओके, ये हो गया. चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो.
screenshot number one. So can you give one more example of this? Yes, sure. चलो इसको ले लो, फिर मैं अभी दूसरा example लेता हूँ. Screenshot लिया? Yes, sir. देखो कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सिर्फ मैथ्स की लैंग्वेज अपने को समझ में आनी चाहिए. क्योंकि प्रॉब्लम क्या आता है कि मैथ्स की लैंग्वेज समझती नहीं अपने को, फिर वो हम फिजिक्स में दिक्कत आने लगती है. तो प्लस माइनस का मतलब समझो, क्योंकि बहुत ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर फिजिक्स, बहुत फ्रिक्वेंटली जरूरत पड़ेगी. और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे स्पेशली आई एम टेलिंग यू SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. मैंने जब तुम्हें स्टार्टिंग में जब एक्सप्लेन किया था सिलेबस फॉर 11th और 12th, तो मैंने वहां पे दो चैप्टर्स बताए थे, एक SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड दूसरा वेव. एंड लास्ट सेकंड 12th पे चैप्टर आएगा वेव ऑप्टिक्स, एंड एक और आता है अल्टरनेटिंग करंट. तो फोर चैप्टर्स, फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सेकंड वेव जिसमें साउंड वेव वगैरह आ जाते हैं, सारे वेव आ जाते हैं, थर्ड इज वेव ऑप्टिक्स, फोर्थ इज अल्टरनेटिंग करंट. फोर चैप्टर्स, 2 in 11, 2 in 12, उसी को आएगा जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है. जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो चारों चैप्टर एक जैसे हैं, एक जैसे हैं बिल्कुल. लेकिन ये चारों चैप्टर जो मैंने नाम लिए ना, किसी से पूछना, बोलेंगे सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लगता है लोगों को. प्रॉब्लम इज दैट क्योंकि फाउंडेशन पे काम नहीं किया है, ठीक है ना. तो अभी जस्ट समझते जाओ, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बताओ इमीडिएटली, ठीक है. ओके चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा मैं प्रैक्टिकल यूज लेता हूं इसका, ठीक है. चलो ऐसे करते हैं, देखो ऐसे लेते हैं थोड़ा अलग. समझो मैंने बोला दिस इज सेंटर, एंड यहां से चला कोई और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है ए. ओके दिस इज द सेंटर, ओ एक ऑब्जेक्ट ए है. एंड जैसे मैं ईस्ट बोल रहा हूं, तो मैं अगर क्वेश्चन फ्रेम करूं तो मैं बोलूं कि फ्रॉम अ सेंटर, ठीक है, ये मेरा रेफरेंस है, मैं इधर खड़ा हूं. वीडियो दिख नहीं रहा है क्या अश्विनी? सबको वीडियो दिख रहा है, मतलब पिक्चर क्लियर है या फिर ब्लर है? Clear. Clear है. अश्विनी देखो, जस्ट चेक योर नेटवर्क. ओके नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा. ओके बाकी लोगों को दिख रहा है ना, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, बार चेक कर लो. सुनो सेंटर, ये सेंटर है और तुम्हारा एक फ्रेंड का घर ए पे है, समझो टुवर्ड्स ईस्ट. तो मैं इसको ईस्ट बोल देता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो समझते हो ना, ईस्ट हो गया. एंड फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स नॉर्थ एक दूसरा फ्रेंड है जिसका घर, मैं उसको बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो ए एंड बी टू फ्रेंड्स आ गए, सेंटर से ईस्ट में उसका घर है ए का, एंड बी का नॉर्थ में है घर, ऐसा कुछ है ना. अब मुझे बताओ, समझो दो लोग हैं, एक नंबर वन और यहीं पे खड़ा है, इसी बीच में कहीं नंबर टू. ओके ये दो लोग खड़े हैं इधर, दोनों को एक्चुअली क्या है, इस ओ ए जो ये जो रूट है ना, इस रूट से इस रूट पे पहुंचना है. समझ में आ रही बात? तो देखो दोनों के पास दो, लेकिन दोनों को डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है, डिफरेंट डायरेक्शन जाना है. तुम समझो ओ से ए के बीच का जो रास्ता है उस पे वन एंड टू दोनों एक साथ खड़े हैं, दोनों को ओ ए से ओ बी की तरफ, मतलब यहां कहीं पहुंचना है यहां पे. क्लियर? तो सिर्फ एंगल के टर्म्स में देखो वन एंड टू डिफरेंट डायरेक्शन जाएगा. तो देखो मैं ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं कि वन ऐसे चला, किधर चला, एंटी क्लॉकवाइज. तो वन ने चलना स्टार्ट किया, ऐसे पहुंच गया यहां पे. समझो? क्लियर? तो मुझे जस्ट इतना बताओ वन कितना एंगल चला, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बाद में डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा, सिर्फ मुझे बताओ इतना बताओ कि वन यहां से यहां पहुंच गया कितना एंगल गया, प्लस 90 की माइनस 90? प्लस 90. क्यों? क्योंकि देखो ये रेफरेंस था, यहां से चलना था ना, कहां पहुंचना था, ओबी लाइन पे कहीं पे. तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए देखो एंटी क्लॉकवाइज चलने की कोशिश की है इसने. तो एंटी क्लॉकवाइज चला, तो थीटा वन, दिस इज थीटा वन, कितना मैं लिखूंगा, प्लस 90 लिखूंगा मैं. ओके क्लियर? लेकिन
अब टू के पास ऑप्शन, टू को उसके डायरेक्शन बोला नहीं, मेरी जैब जिधर मैं चलूंगा उधर मत चलना, तुम पहुंचना एक ही जगह अपने को बट उस डायरेक्शन में मत जाना। तो टू क्या करेगा बेचारा, बोलेगा टू इधर गया मैं इधर चलता हूँ, तो टू स्टार्ट करेगा ऐसे, देखो ना उसको पहुंचना यही, तुम यार खुद सोच कर देखो कोई और ऑप्शन है उसके पास नहीं, उसको क्या करेगा लंबा एक लॉन्ग कट मारेगा घूम करके ऐसे 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 पहुंच जाएगा, लल्ले आ गया मैं भी, दोनों मिल जाएंगे फिर से, कौन देर में पहुंचेगा कौन पहले पहुंचा डजंट मैटर, वो बाद में बात करेंगे, हम वी आर नॉट डिस्कसिंग द फिजिक्स हियर, ओके, जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव एंगल एंड व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव एंगल, ओके। तो दोनों यहीं से स्टार्ट किए, एक इधर गया एक इधर गया, देखो उल्टा गया ना, तो थीटा 2 जो ये सेकंड नंबर वाला है कितना ट्रैवल किया और कितना एंगल सबटेंड किया, -270। तो क्या लिखोगे कि सर टोटल एंगल 360 होगा, -270 इसमें से 90 नहीं गया तो 360 माइनस 90 तो 270 डिग्री, बट पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि यहां से देखो किधर चल रहा है, ये ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है, घड़ी की सुई की डायरेक्शन में ना, तो ये क्या होता है क्लॉकवाइज, तो दैट इज -270 डिग्री। अब सुनो, अब तुम कहोगे सर क्या मतलब है, हमें तो दिख ही रहा था प्लस माइनस लगाने की क्या जरूरत थी, अब सुनो व्हाट इज द, मैंने दो चीजें बताई थी स्टार्टिंग में कि किसी भी चीज को समझने का, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज को लाइफ में हो या फिर सब्जेक्ट में हो, दो तरीका होता है, एक देख करके दूसरा पढ़ करके, लैंग्वेज एंड पिक्चर्स टू डिफरेंट थिंग्स, एक इंसान होता है लैंग्वेज भी पढ़ लेता है पिक्चर्स भी देख लेता है, जानवर नहीं, हमारे पास ये स्किल है कि वी हैव लैंग्वेज, है ना, हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं दिमाग में, पिक्चर देखते हैं तो हमें टेंशन नहीं होती क्योंकि हमारे सामने सब कुछ विजुअल्स चल रहे होते हैं। यहाँ पे देखो, जब ये मैंने पिक्चर दिखाई तुम्हें पहले तो तुम समझ गए, नहीं नहीं सर ओके ये वाला जो एंगल है 90 है और प्लस लेना चाहिए आपको, ये वाला एंगल ज्यादा ऐसा, देखो ज्यादा एंगल ट्रेवल किया, कैसे निकाला 360 माइनस 90। नाउ हियर कम्स इंपॉर्टेंस ऑफ प्लस एंड माइनस, अब सोचो ये पिक्चर नहीं दिखाता मैं तुम्हें, पिक्चर नहीं दिखाता मैं सिर्फ लैंग्वेज बोलता कि फ्रॉम अ सेम पॉइंट टू पर्सन वन एंड टू स्टार्टेड एंड एंगल सबटेंडेड बाय वन इज प्लस 90 एंड सेकेंड इज माइनस 270, बताओ व्हाट इज द फाइनल पोजिशन ऑफ बोथ, तुम्हें समझ आ रहा है, मैं पिक्चर नहीं मैं तुम्हें लैंग्वेज बता रहा हूं, अब तुम लैंग्वेज से अगर मैं तुम्हें ना सिखाया होता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस 90 एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव एंगल, तो तुम कभी समझ ना पाते जो मैं बोल रहा हूं। नाउ यू कैन क्रिएट पिक्चर इन योर माइंड, मैंने क्या बोला कि टू पर्सन स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट, तो तुम्हारे दिमाग में अच्छा एक लाइन होगी कहीं दोनों खड़े होंगे, जस्ट सोचो मेरी तरह सोचो, अच्छा ओके एक लाइन खड़ी होगी वहां पे दोनों खड़े होंगे एंड एंगल सबटेंडेड बाई वन पर्सन इज प्लस 90, तो तुम समझ गए अच्छा प्लस 90 प्लस कब आता है जब एंटी क्लॉकवाइज आता है, ओके मतलब एक इधर गया होगा ऐसे, क्लियर। दूसरा सेकंड एंगल सबटेंडेड बाय माइनस 270, तो माइनस देखते ही तुम बोलते सर अच्छा वो उधर नहीं, मतलब पहले वाले के डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा, अपोजिट पीछे से चलेगा, एक इधर गया एक ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा कितना गया 270, तुम आप सोचो 270 एंगल मतलब ऐसे घूम के ऊपर फिर से आया होगा, क्यों 270 इज 360 माइनस 90 और लेकिन माइनस में, इसका मतलब दोनों की पोजीशन सेम हो गई, समझा कि नहीं समझा, किसी को प्रॉब्लम है अभी फिर से पूछो, ओके कोई डाउट है इसमें, देखो बहुत बहुत कोर बातें बता रहा हूं जो कि हमें समझता ही नहीं है कि यार प्लस क्यों करते हैं, जैसे मैकेनिकल, मैंने बोला ना कोई भी चीज मैकेनिकल नहीं होता है ना, हर चीज के पीछे भाई देखो ऐसे तो नहीं है ना कोई साइंटिस्ट बैठे बैठे मजे लेने के लिए, यार ऐसा है ना जेई और नीट वाले बच्चों को परेशान करना है, चल एक प्लस बना दे एक माइनस, अरे नहीं भाई देयर इज सम रीजन सम लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग, वी हैव टू अंडरस्टूड कि व्हाट इज द लॉजिक, क्यों बनाया गया किसी चीज को, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया पिक्चर देखा तो कोई जरूरत नहीं थी प्लस माइनस की, बट लैंग्वेज देखी तो अपने को प्लस माइनस से समझा, चलो ठीक है ये हमारा क्लियर हो गया। नाउ चलो इसको भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर 2 स्क्रीनशॉट लो जल्दी फिर आगे चलता हूं मैं। डन थैंक्स सर, कोई डाउट होगा कुछ मन में कोई क्वेरी तो यू कैन आस्क।
आगे थोड़ा चलते हैं। फिर मैंने क्या बताया था तुम्हें कि एंगल क्या होता है, वो तो मैंने बता दिया कि ओपननेस क्लोजनेस और बाकी प्लस माइनस कब लोगे, वो सारी चीजें मैंने बताई। नेक्स्ट बताया हाउ वी मेजर एंगल, है ना, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एंगल। तो एंगल की यूनिट हमने तीन तरह की यूनिट देखी थी, बड़ा स्पेशल केस है, तीन तरह की यूनिट होती है इसकी, बिल्कुल अलग अलग टाइप की। तो फर्स्ट यूनिट क्या मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने लिए है वो क्या है, SI यूनिट, है ना, जो हम मैक्सिमम कैलकुलेशंस में उसी फॉर्म में यूज, उसी SI यूनिट में रखेंगे एंगल को। अगर कहीं मीटर है ना, तो मीटर इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ। तो जब एंगल, सपोज मीटर के साथ एंगल डालना है, तो एंगल मस्ट बी इन SI यूनिट, एंड SI यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। रेडियन हमने देखा। सेकेंड यूनिट मैंने बोला रेडियन आम आदमी को समझ में नहीं आता, एक कॉमन मैन डजंट अंडरस्टैंड रेडियन। वो अपन लोग समझदार इंटेलिजेंट लोग है ना, हम लोग तो अपने लोगों को समझ में आता है रेडियन। आम आदमी क्या समझता है, डिग्री। डिग्री सबको समझ में आती है, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री सबको समझ में आती है, क्योंकि डिग्री वाइडली यूज होती है, सबसे ज्यादा यूज जो होती है यूनिट ऑफ एंगल दैट इज डिग्री। तो डिग्री कैन बी नोन एज, या वी कैन अंडरस्टैंड डिग्री एज प्रैक्टिकल यूनिट, है ना, उसको प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं डिग्री। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि डिग्री बड़ी यूनिट है एक्चुअली, डिग्री और रेडियस सब बड़े बड़े यूनिट है, जैसे मीटर बड़ी यूनिट है, तो मीटर से छोटी चीज है, अगर समझो 1 मीटर से भी छोटी चीज है, तो हमें छोटी यूनिट बनानी पड़ेगी ना, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के। भाई बड़े लोग की जगह हमें छोटे लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, छोटे लोग भी होते हैं, तो छोटे लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो छोटे लोगों का ध्यान मतलब हमने छोटी यूनिट्स बनाई। फिर हमें डिग्री से छोटी यूनिट मिनट्स, फिर मिनट से भी छोटी यूनिट सेकंड, बिल्कुल आर, जैसे आर होता है आर, मिनट्स एंड सेकंड्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू, फिर मैंने कन्वर्जन बताया कि कितना होता है। तो याद करो मैंने क्या बताया था, पहले मैंने रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू डिग्री, क्या होता है बताओ, 180 इक्वल टू क्या बताया था, 180 बाई पाई डिग्री, सही है। एंड 1 डिग्री, डिग्री को ऊपर उल्टा हो जाएगा, पाई बाई 180, ये सब मैंने चीजें डिस्कस की थी पहले। रेडियन सेकंड, 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स, तो डैश लगा दिया, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। यहां से सारे कन्वर्जन तुम कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम नॉर्मल कन्वर्जन करते हैं वैसे ही, ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें उसके प्रैक्टिस भी कराई थी, तो अभी बताओ इसमें कोई डाउट है कन्वर्जन में, अदरवाइज में फिर आगे चलो थोड़ा। नो सर, कन्वर्जन में कोई डाउट नहीं है ना, पूछ लो जिसको डाउट है बोलो। चलो एक एक एग्जांपल में लेता हूँ, मैंने तुम लोगों को प्रैक्टिस शीट भी दी थी, एक एग्जांपल कोई बोल दो, एक एग्जांपल कौन सा ले लूँ मैं, मैंने 5 क्वेश्चंस दिए थे उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस थे, कौन सा ले लूँ बोलो। ओमकार कोई डाउट है कि सारे हो गए थे तुमसे, ओमकार All very easy. हाँ, yes, easy था, मतलब question बस practice के लिए मैंने दिया था, ठीक है। तो किसी को doubt नहीं है, मैं ये मानकर चलता हूँ, ठीक है ना, फिर क्योंकि कोई मेरे को, सभी लोग बोल रहे हैं yes हो गया है, okay? चलो doubt होगा तो मेरे को अलग से message कर देना, मैं ले लूंगा एक example, okay? चलो तो अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखो एक चार्ट में बना लेता हूँ, वो अपने को जरूरत पड़ती है, थोड़ा लर्न करना पड़ेगा तुम्हें, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी कर सकते हो। क्या करना है तुम्हें, एक तरफ डिग्री लिख लेनी है, डिग्री, एंगल इन डिग्री, एंड सेकंड एंगल इन रेडियन। कुछ एंगल पता होना चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, नॉट 37 छोड़ दो, 60 डिग्री, नहीं 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, देन 150 डिग्री, देन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये सब डिग्रीज में होते हैं। तो कन्वर्जन होता है, तो हमें क्या होता है कभी कभी फ्रिक्वेंटली ये एंगल्स से हम मिलते रहते हैं, तो अपने को फटाफट रेडियन में चेंज करने आना चाहिए। जैसे मैं लिख दे रहा हूं 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, सिंपल है, 0 है तो 0 ही होगा ना, उसका क्या कन्वर्जन होगा। 30 डिग्री सब पता है तुम्हें, पाई बाई 6 रेडियन, 45 पाई बाई 4 रेडियन, 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन, 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन, 120 कितना हो जाएगा,
पाई बाई क्या क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 2 पाई बाई 3 यस। 150 कितना होगा, व्हाट इज 150, पाई बाई 6 होता है। अरे बताओ यार कितना होगा, 5 पाई बाई 6 180 कितना होता है, पाई 270 कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 360 2 पाई। तो ये सब कुछ एंगल्स हैं जो तुम्हें लर्न होने चाहिए, तो अपना टाइम बचाता है, क्योंकि कहीं पे आ जाएगा 120, तो 120 को तुम बैठ करके, वो फिजिक्स में हमें नहीं करना है ये सारी चीजें, बट 120 डिग्री आ गया तो यू हैव टू लर्न कि नहीं 120 डिग्री याद आना आ जाना चाहिए, 120 डिग्री क्या हो जाता है यार अपने को 2π/3, तो डायरेक्ट 2π/3 लिख देना, ओके। तो ये होना चाहिए लर्न, तो ये तुम घर पे कर लेना, ये दिस इज नॉट अ बिग थिंग है ना, ये कन्वर्ट कर सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम जो हम चलने वाले हैं। अब देखो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखो क्या होता है, कुछ चीजें बनाएगी। देखो क्या हुआ, एक्चुअली साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया, लोगों ने, मैथमेटिशियंस लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने देखा कुछ कॉमन सी चीज, तो एक बड़ी अच्छी चीज देखी उन्हें, क्या देखी कि यार व्हेन दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके राइट एंगल, यस राइट एंगल सबको पता है क्या होता है, एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री, द ट्रायंगल व्हिच वन साइड वन एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल। तो समझो ए बी एंड सी एक राइट एंगल बनाया ऐसे उन्होंने, क्लियर। तो जब एंगल बनाया तो समझो ये तुम्हारा है अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो थोड़ी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए अपने को। तो मुझे बताओ फॉर एनी ट्रायंगल, वो इक्विलेटरल हो, आइसोसेलिस हो, या फिर ये राइट एंगल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 होते हैं, 1 2 3, साइड्स कितने होते हैं, 3, 1 2 3, देयर आर 3 साइड्स, 1 सेकंड, क्या ऑब्जर्व क्या किया वो समझो, ऑब्जर्व किया एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल, सब लोग बैठे थे टाइम पास कर रहे थे वो लोग, है ना, ट्रायंगल बना हुआ आगे देखते थे, तो एक पैटर्न मिला क्या, पहले समझो ट्रायंगल क्या हो, तो ट्रायंगल में क्या होते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, ट्रायंगल में 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ये ट्रायंगल होता है ना। अब सुनो, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक एंगल 90 होता है, बाकी दोनों, और टोटल और क्या प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, मुझे बताओ कि सम ऑफ 3 एंगल्स, तो टोटल एंगल जो होता है ट्रायंगल का कितना होता है, वो 180 होता है, सबको पता है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उसका सम क्या होता है, 180। तो मुझे बताओ, तो देयरफॉर दिस इज नंबर 1, एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मैंने एक रैंडम कोई एक नोटेशन दिया है, अल्फा इज दिस एंगल and beta is the this angle and this is 90, alpha plus beta plus 90 is equal to kya hona chahiye, alpha plus beta plus 180 is equal to 1, main degree mein likh raha hu, main radian nahi use kar raha hu, kyun nahi use kar raha hu, kyunki practical unit hai, bahut zyada use hoti hai, to hum usi ko use karte hain, and we know how to convert degree into radian, to baad mein agar zarurat padi to we can convert degree into radian, alpha plus beta plus 90 180। to dekho ek चीज निकल कर आई, लोगों ने देखा अरे यार अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया 90 डिग्री के, ये चीज निकली। तो पहली चीज क्या, एक एंगल तो 90 था और तीनों मिलकर के 180 थे, तो ऑब्वियसली ये दोनों मिलकर कितने होने चाहिए 90, तो एक एंगल अल्फा दूसरा एंगल बीटा दोनों मिलकर 90। तो क्या समझा उन्होंने क्या समझा कि राइट एंगल में अगर कोई एक एंगल पता है ना अल्फा बीटा में तो दूसरा आ जाएगा, कैसे समझो, अल्फा 30 है, बताओ एग्जाम्पल देखो, if in 60 right angle 60 alpha is lo 30 degree le lo, then beta batao kitna hoga 60 degree, kyun kyunki alpha plus beta dono milke 90 hone hain, to kitna ho jayega 90 minus what 30, that is 60 degree, okay। dusra dekho, if alpha is 45 तो बताओ देन बीटा कितना होगा 45 45 90 माइनस 45 दैट इज
ये सब ऑब्जर्वेशंस थे, बैठ करके कर रहे थे, और तुम्हारे लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी प्रॉपर्टी बेसिक तो पता है कि ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं, लेकिन राइट एंगल एक स्पेशल ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 होता है और तीनों एंगल मिलकर 180 होते हैं, तो इसका मतलब बाकी दोनों एंगल मिलकर कितने होंगे 90। ये बात मजेदार थी, वहां से कई चीजें निकली, तो लोगों को एक बात समझ में आ जाए। एक एंगल पता है थोड़ा स्पेशल ट्रायंगल है यार, ये बढ़िया चीज है इसके अंदर। अब देखो तो ये पहले समझे तुम कि एक 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 एंगल पता हो तो दूसरा हम निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों का सम 90 होता है। नाउ अब इसको मैं स्क्रीनशॉट लो, फिर इधर रब करता हूं मैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, स्क्रीनशॉट नंबर दिस इज 3 था। हो गया डन सर। ये हमारी हेडिंग जो अभी चल रही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चल रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां से ये चीज तो हमें समझ में आई, तो अब लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट किया क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। इसको मैथ्स वाले शॉर्ट में टी रेशियो बोलते हैं, है ना, टी रेशियो। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यार था क्या ये एक्चुअली, ये रेशियो मतलब रेशियो, व्हाट इज रेशियो, डिवीजन ऑफ टू थिंग्स, एक न्यूमरेटर होगा दूसरा डिनोमिनेटर होगा, बस क्या था टाइम पास कर रहे थे बैठे बैठे, राइट एंगल दिख गया उनको, इसको पकड़ लिया, इसको बाहर निकाल के लिया कि तू इधर आ, तो इसको इधर ले आए कि रुक तेरे को अलग से डिस्कस करते हैं। तो क्या डिस्कस किया इसको, एक पैटर्न फाइंड किया इन्होंने, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल पैटर्न है, देखो क्या है, दिस इज ए बी सी एंड दिस इज 90 एंड दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अब ये मैं कहना सर अल्फा पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव, मैंने पहले ही बताया पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मेरे को एक एक आइडिया देता है। क्या आइडिया देता है, ओके पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया है और नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज, बट मैग्नीट्यूड में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो अल्फा बीटा आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड, अल्फा इज व्हाट हाउ मच एंड बीटा इज हाउ मच, ओके। तो देखो क्या हुआ फिर, तो उन्होंने एक चीज देखी, उन्होंने देखा कि जो ये एंगल होता है ना एंगल, तो यहां पे कुछ फंक्शन कुछ चीजें देखी साइन, जैसे देखो क्या किया कि साइन ऑफ एक फंक्शन बनाया एक्चुअली साइन ऑफ अल्फा, समझ में आ रही बात, ये इक्वल होता है हमेशा किसके, इसके सामने वाला साइड, इसके सामने वाला। तो ट्रायंगल में राइट एंगल में कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको मैं हाइपो लिख देता हूं, तुम्हें पता है हाइपोटेनियस, एक होता है बेस दूसरा होता है परपेंडिकुलर, एंड व्हाट इज बेस, ये देखो हाइपोटेनस तो क्लियर होता है सबसे बड़ा साइड होता है हाइपोटेनस, लेकिन दो साइड जो बचे क्योंकि तीन साइड्स होते हैं, एक साइड हाइपोटेनस हो गया तो एक परपेंडिकुलर बनेगा दूसरा बेस। अब ध्यान से देखना कि कौन परपेंडिकुलर बनेगा कौन बेस बनेगा, सुनो अच्छा बताओ कौन परपेंडिकुलर है यहाँ पे, इसमें परपेंडिकुलर कौन है, नहीं यही थोड़ा इस पे ट्रिकी पॉइंट है, अभी तक तुम लोगों ने ए बी को परपेंडिकुलर बोला था ना, अब हम अलग सीखेंगे। सर सीबी के ना, हाँ क्या हुआ, देखो सर एंगल पर डिपेंडेंट होता है, मतलब गुड, हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है, वो कौन होता है दो तरीके से समझ सकते हो, सबसे बड़ा साइड होता है पहली बात, दूसरा 90 के सामने वाला एंगल होता है, द साइड इन फ्रंट ऑफ द 90 इज नोन एज हाइपोटेनियस, बट चलो इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री बाद में बताता हूं, पहले बेस और परपेंडिकुलर समझते हैं। अब समझो अगर हम किसकी बात कर, अल्फा की बात कर रहा हूं मैं, फॉर अल्फा, तो मैं बात करूंगा फॉर अल्फा, तो अल्फा को बनाने वाला जो साइड है एक तो हाइपोटेनियस हो गया, अल्फा किससे बना है बीसी से, तो वो क्या हो जाएगा बेस, तो क्या हो जाएगा द साइड एडजेसेंट, कई तरीके से बोलते हैं एडजेसेंट टू अल्फा इज बेस, फॉर अल्फा बेस ट्रायंगल का बेस नहीं होता, किसका होता है एंगल का बेस, क्यों बेस वर्ड कहां से आया, देखो बेस क्योंकि ये वाला इस अल्फा को बेस दे रहा है, अगर ये ना होता बीसी ना होता तो क्या अल्फा बन पाता, नहीं बन पाता, तो बीसी प्रोवाइडेड बेस टू अल्फा, दैट्स वाई BC is known as, क्या लिखा यार, side adjacent to alpha is base for alpha and that is BC.
तो BC provided base for alpha, that's why we known as BC as base. समझ में आ रही बात? तो perpendicular क्या हो जाएगा? तो दूसरा होता है side in front of angle. तो अल्फा की बात कर रहे हैं, इज क्या बोलते हैं उसको? परपेंडिकुलर, क्योंकि खड़ा रहता है ना, परपेंडिकुलर. तो यहां पे परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा अल्फा के लिए बताओ? उसके सामने AB. तो AB परपेंडिकुलर हो गया BC बेस फॉर अल्फा. ओके, बट हमारे लिए AB BC इंपॉर्टेंट नहीं. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, किस एंगल की बात कर रहे हो. तो देखो दूसरा, यहां से देखो. नाउ ये तो पहला देखा फॉर अल्फा. नेक्स्ट देखते हैं फॉर बीटा एंगल. बताओ बीटा के लिए बेस बताओ कौन होगा? AB बेस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बीटा बेचारा बन ना पाता अगर AB ना होता. तो AB विल बी बेस. तो इस बीटा के सामने का बेस, सामने का साइड कौन है? BC. सामने का साइड कौन है? BC. तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC. बहुत सिंपल. तो फ्रॉम नाउ द बेस एंड परपेंडिकुलर विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल इन विच वी आर इंटरेस्टेड. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल देन दैट विल बी द बेस. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल देन दैट इज द बेस एंड दैट इज द परपेंडिकुलर. सिंपल. तो तुम्हें याद नहीं AB परपेंडिकुलर नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो. पहले देखो किस एंगल की बात कर रहे हैं. ओके, तो ये मैंने तुम्हें बेस की बात बताई. अब सुनो सर, ठीक ना, मैंने रेशियो की बात कर रहे थे ना. तो देखो क्या कंक्लूजन निकला यहां से. रेशियो तो क्या निकला, देखो एक्चुअली बैठे बैठे वो क्या कर रहे थे, छोटे छोटे, जैसे मैंने बोला बहुत ढेर सारे राइट एंगल्स बनाए. तो उन्होंने देखा कि अगर ये एंगल है ना, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है. तो उन्होंने क्या बोला कि जब भी उन्होंने जो भी ट्रायंगल बनाया उसके परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है? ऐसे मैं सिंबल बना देता हूं परपेंडिकुलर. प्रॉब्लम है क्या? नो सर. मैं P भी लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर लिख लो, और बेस को मैं B लिखूंगा. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. बेस मतलब शॉर्ट में बार बार लिखने की जगह मैं B लिखूंगा और इसको P लिखूंगा और हाइपोटेनस को H लिखूंगा. H, ठीक है. तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ भी ट्रायंगल बना लो तुम, हमेशा एक पैटर्न मिलता है किसमें? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस में एक रिलेशन मिला. और उसका रिलेशन कोई भी ट्रायंगल, बहुत सारे ट्रायंगल बनाए उन्होंने, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस रिलेशन मिला. वो रिलेशन कैसा था? इस एंगल के साथ रिलेशन था उसका. तो उस पर्टिकुलर एंगल के साथ एक टर्म उन्होंने मैच कराया जिसको बोला साइन. तो साइन ऑफ अल्फा. तो साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय, देखो ये रेशियो है कि नहीं. तो दिस रेशियो, तो क्या अल्टीमेटली बोला उन्होंने मैथमेटिशियंस ने, कि रेशियो ऑफ दिस साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंगल के साथ साइन. तो साइन ऑफ मतलब समझो अल्फा के साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जोड़ दिया, तो इसका रेशियो साइन ऑफ अल्फा इक्वल होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा. तो मुझे बताओ अब देयरफॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा इस ट्रायंगल में? परपेंडिकुलर बाय, ये याद रखना है तुम्हें, साइन ऑफ एनी एंगल, या ऐसे लिख लो साइन ऑफ ऐसे याद रख लो तुम. साइन ऑफ कोई एंगल आएगा जरूर. ये देखो मैंने खाली जगह छोड़ दिया है, साइन ऑफ समथिंग है ना. तो साइन ऑफ समथिंग में ये गैप फिल करना है अपने को. तो अब मैं साइन अल्फा की बात कर रहा हूं, तो साइन अल्फा ये अल्फा है, तो परपेंडिकुलर कौन है? AB अपॉन AC. AB अपॉन हाइपोटेनस AC. और अगर मैंने साइन ऑफ किसका लिया? बीटा. तो अब बीटा की बात कर रहे हो, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होता है, साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड उसका रेशियो, मतलब उसके लिए रेशियो क्या होता है हमेशा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो साइन बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? BC. तो दैट विल बी
डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज AC अपॉन AC समझा बात तो ये किसी को डाउट है इसमें या समझ गया है किसी को डाउट है पूछो नहीं तो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ फिर इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिर से सुनो कहानी क्या चल रही थी टेल हाउ मैथमेटिकन डिस्कवर्ड साइन कॉस देखो साइन कॉस कैसे डिस्कवर किया जैसे मैं तुमसे पूछूं लॉग कैसे डिस्कवर किया तो डिस्कवर नहीं किया पहली बात क्रिएट किया ठीक है पैटर्न क्या मिला उनको मैंने क्या बोला कि कोई भी तुम ऐसे एंगल ड्रॉ करो सुनो कोई भी राइट एंगल ड्रॉ करो अगर इस ये एंगल होगा ना सब 30 डिग्री है तो इन दोनों का जो रेशियो सुनो इसका और इसका रेशियो कुछ जो आएगा ना वो इस एंगल के साथ एक रिलेशन है उसका बहुत देखो ना ये फिलोसॉफी है मैथ्स की एक्चुअली सुनो फिर से दोनों एक ट्रायंगल बनाया उन्होंने ये और ये डिवाइड किया तो एक वैल्यू मिली उनको समझ में आ रही बात वो वैल्यू कुछ जैसे जैसे ये एंगल चेंज होता था ना वैसे वैसे ये वैल्यू चेंज होती थी समझो ये एंगल 30 डिग्री है तो ये डिवाइड बाय ये कुछ और आता था 60 किया तो ये डिवाइड बाय ये कुछ और आया बट कुछ आया जिसका रिलेशन किसके साथ था एंगल के साथ तो उस एंगल के साथ रिलेशन को क्या बोला उन्होंने साइन है लेट्स इट्स साइन कुछ वो कॉस भी हो सकता कुछ भी हो सकता था बट उस एंगल के साथ रिलेशन को उन्होंने क्या क्या फिक्स किया साइन समझ में आ रही बात डिस्कवर क्या किया कि रेशियो ऑफ दिस टू साइड किसका परपेंडिकुलर और बेस सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो किसके साथ रिलेशन है एंगल के साथ जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना एक्चुअली देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा ना वैसे वैसे ये रेशियो क्या होता है बढ़ता है पहले समझ में आ रही बात तो उस तरह से उन्होंने डिस्कवर किया अब देखो सुनो मैं ये स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट नंबर 4 जल्दी करो मैं फिर आगे फिर बताता हूँ कि कैसे और हुआ ये हो गया ओके अब मेरे को एक बात बताओ अब तुम राइट एंगल देख करके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस आइडेंटिफाई कर लोगे या नहीं कर लोगे इस अभी इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना फिर से सुन लो हाइपोटेनस क्या होता है सबसे बड़ा वाला साइड होता है या फिर 90 डिग्री के सामने वाला एंगल साइड होता है दूसरा जिस एंगल की बात करोगे उसका एडजेसेंट साइड बेस होगा और उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा फॉर दैट एंगल है ना इट इज नथिंग लाइक बेस ऑफ द ट्रायंगल नहीं बेस ऑफ फॉर दी दैट एंगल किस एंगल की बात कर रहे हो और उसके सामने वाला एंगल क्या होगा परपेंडिकुलर तो यहां से उन्होंने निकालना स्टार्ट किया आप सुनो देखो मैं एग्जांपल लेता हूं एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं दिस इज ये तो 90 डिग्री हो गया ना दिस इज ए बी सी दिस एंगल इज थीटा ओके ऐसा मैंने दियो एंड दिस इज वन वन मैंने पूछा फाइन साइन थीटा फॉर द ट्रायंगल क्या होगा बताओ वन बाई रूट टू देखो सुनो कैसे हुआ देखो इधर कैसे किया सुनो पहले कैसे अप्रोच कैसे करना है पहले देखो ट्रायंगल है राइट एंगल तो क्या बात है अपने को पता है पहली बात कि तीनों साइड में सबसे बड़ा हाइपोटेनियस और पाइथागोरस तो वो आता ही आता है अपने को बचपन से पाइथागोरस क्या होता है पाइथागोरस क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यही तो होता है ना जो पाइथागोरस थ्योरम था यही तो था कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर तो या फिर ऐसे लिख दो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर सेम तो देखो मेरे को क्या पता है ये AB और BC पता है AC नहीं पता है तो क्या मैं AC निकाल सकता हूं बिल्कुल तो AC स्क्वायर therefore AC स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्योंकि ऑलरेडी गिवन है AC नहीं गिवन था तो therefore AC स्क्वायर कितना आया 2 तो therefore AC इज रूट 2 ये मेरे को मिल गया AC की वैल्यू मिल गई नाउ अब हम क्या करने वाले हैं एसी मिल गया मेरे को अब मैं क्या करूंगा साइन ऑफ थीटा अब सुनो साइन के पास हो साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और साइन क्या होता है साइन मैंने क्या सीखा था बताओ साइन ऑफ द एंगल क्या होता है बोलो ये तो याद होना चाहिए साइन ऑफ द एंगल क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये तो याद होना चाहिए ना
तो साइन ऑफ थीटा, तो ये थीटा है, तो बताओ अब इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है? BC. देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस बोलूंगा, बट फिर मैं ट्रायंगल में जाऊंगा. फॉर दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज BC, फॉर दिस एंगल परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूस इज AC. देयरफॉर sin थीटा इज BC इज 1, AC इज √2, तो 1 बाय √2. समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये हुआ. और देखो दूसरा, तो ये तो एग्जांपल वन लिया, तुम एक क्वेश्चन करो. दिस इज द थीटा, दिस इज 2, दिस इज 3. फाइन साइन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा फॉर दिस गिवन ट्रायंगल. ट्राई करो जल्दी. तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. पी बाई एच नहीं बोलना है, पूरा बोलना है. मैं लिख रहा हूं पी एंड बोल लिख रहा हूं एच, बट बोल क्या रहा हूं? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस. ये बार बार बोल के प्रैक्टिस करनी है, कि मतलब सोते से भी जगा के पूछे ना कि साइन, तो उसको बोलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. समझ में आ रही बात? कंफ्यूजन की कोई चांस ही नहीं इसमें. ठीक है, देखो नाउ कौन सा थीटा है? ये थीटा है. तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा. So therefore, sine theta is equal to AB by and AB is what? What is AB? AB तुमने अभी निकाला root 5 divide by what is AC? 3. Okay. Srihal, अपना off करो, mic off करो. Sine theta equals to AB by AC. तो AB क्या हो गया? Root 5 by 3. Correct है? अभी समझा? Still, Snehal, आवाज आ रही है? समझा इसमें? किसी को डाउट है पूछ लो फिर से. कोई प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट लो जल्दी. स्क्रीनशॉट नंबर 5. डन सर. ओके, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए एक्चुअली आज, कुछ लोग का क्लासेस भी थी, तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा. चलो एक मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लॉजिकल, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है इसका. ठीक है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें डिजाइन किया, मैंने बोला इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल टू एंगल्स are given as, चलो मैं कुछ भी ले रहा हूं, 37 and नहीं चलो ठीक है 37, मैं 2 नहीं 1 ही देता हूं. 1 angle is given as, one angle is given as 37 degree. ठीक है, बस इतना mention किया. फिर मैंने तुमसे पूछा find sine 37 degree. रुको, one angle is given as 37 and smallest side not smallest and two sides, ये ऐसे कर लो,
एंड स्मॉलेस्ट, चलो वैसे ही कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट साइड्स आर 3 and 5. फाइंड साइन 37 degree. चलो निकालो. देखो मैंने क्या किया, मैथ्स के प्रॉब्लम को लैंग्वेज दिया है. 3/5. क्या लॉजिक यूज किया बताओ जरा. सर सबसे छोटा एंगल के अपोजिट साइड सबसे छोटी होती है. सर बिगेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस. साइड इज हाइपोटेन्यूस. यस गुड बढ़िया. देखो बहुत सिंपल सी चीज है बट सोचना पड़ता है, तो ये चीज यही थॉट प्रोसेस है ना, इसके थ्रू हमें पास होना है. किसका किसका नहीं हुआ मुझे बताओ, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ फिर फटाफट. जल्दी बताओ. सो आई डिडंट गेट इट. ओके व्हाट्स योर नेम. रिया. रिया ओके. और कोई बाकी सबको समझाए, क्या बात है. सारे टॉपर्स ही बैठे हैं हमारे यहाँ क्लास में, तो 2022 के सारे ऑल इंडिया 1, 2, 3 सारे. अरे बताओ भाई किसको नहीं समझा. और ओके स्नेहल गुड. नेहा चलो और देखते हैं. सुनो पहले क्वेश्चन समझो. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल इज गिवन एज 37 डिग्री एंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट साइड्स आर 3 and 5 फाइंड साइन 37. तो पहले देखो क्या प्रॉपर्टी, तो लैंग्वेज दिया है, इसको हम पहले डीकोड करते हैं. ये कोडिंग है, ये हमें पजल फंसाने की कोशिश कर रहा है. हम यहां से कुछ निकालते हैं. तो चलो मैं एक राइट एंगल पहले बना लेता हूं. ए बी सी इज राइट एंगल. तो राइट एंगल में एक एंगल तो पता ही होता है यार, वो कितना होता है 90 डिग्री. नाउ उसने एक बोला कि वन एंगल इज गिवन एज 37. एक बात बता, 90 को छोड़ के एक एंगल तो उसने बता दिया, तो क्या मैं दूसरा एंगल फाइंड कर सकता हूं. बिल्कुल कर सकता हूं. क्यों? क्योंकि सपोज ये अगर अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है बिकॉज अल्फा इज 37 डिग्री. एक एंगल कोई भी पकड़ लो ना, अल्फा इज 37, देयरफॉर बीटा कितना हो जाएगा बताओ. दूसरा एंगल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा दोनों मिलकर 90 होते हैं, एक पता है, तो दूसरा 90 - 37 कितना हो जाएगा, 53 डिग्री. एक 37 हो गया, दूसरा 53. ये मेरे को एंगल की सारी इंफॉर्मेशन आ गई. दिस इज 90, दिस इज 37, दिस इज 53. नाउ फिर नेक्स्ट के पास आते हैं. नेक्स्ट कोड क्या है, स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट साइड्स आर 3 and 5. अब यार ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कैसे पता करेंगे, मुझे एक बात बताओ. राइट एंगल में या कोई भी ट्रायंगल हो, लार्जेस्ट साइड कौन होगा, कैसे पता चलेगा अपने को, क्या कोई एंगल से रिलेशन होता है. ट्रायंगल के अंदर तीन साइड और तीन एंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, छोड़ दो अभी बोल जाओ ये राइट एंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, तीन एंगल तीन साइड्स, तो जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाला सबसे बड़ा साइड होता है. ये बात तो सबको पता है यार, ठीक है ना. सबसे बड़ा जो साइड होता है वो उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा, अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज द लार्जेस्ट साइड. तो बता और राइट एंगल में सबसे बड़ा एंगल कितना होता है. 90 डिग्री. क्या उससे बड़ा एंगल पॉसिबल है, नहीं. राइट एंगल में उससे बड़ा एंगल पॉसिबल नहीं है. तो ये सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये कुछ नहीं, लार्जेस्ट साइड 5 है ना, तो ये हाइपोटेनियस है यार. तो दिस इज हाइपोटेनियस. डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोल दिया इसने, लेकिन मैंने डिकोड किया. अच्छा अच्छा ये हाइपोटेनियस की बात कर रहा है. नेक्स्ट स्मॉलेस्ट साइड, तो अब इन दोनों में एक स्मॉलेस्ट, तो मुझे बताओ स्मॉलेस्ट एंगल के सामने वाला स्मॉलेस्ट साइड होगा. तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन है, एक 90 है, दूसरा 53, 37. 37 इज द स्मॉलेस्ट एंड दैट इज अल्फा. तो इसके सामने वाला स्मॉलेस्ट साइड होगा कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 3. बस हो गया अपना काम. अगर ये 3 है या 5 है तो बताओ क्या तुम बीसी निकाल सकते हो. बीसी देखो राइट, अब तुम्हें दो साइड मिलकर तीसरा निकाल सकते हो ना, कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस. तो पाइथागोरस की से हेल्प से हम बोल सकते हैं, बिकॉज पाइथागोरस क्या बोलता है, AC square is equal to AB square plus BC square. Therefore, what is BC? कितना हो जाएगा? देखो 5 square, BC square कितना हो जाएगा? 5 square minus 3 square. कितना होगा? 25 minus 9. That is 16. तो BC कितना हो गया? 4.
तो BC भी आ गया, तो BC आ गया 4. तो therefore अब हम आते हैं साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज साइन ऑफ 37 पूछ रहा है ना मेरे से. तो साइन ऑफ एनी एंगल इज वॉट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो वॉट इज परपेंडिकुलर फॉर 37? 3. तो कितना हो जाएगा? 3/5 आंसर हो गया. ये याद करने होते हैं ना, ये 37 बहुत कॉमन वैल्यू है. ठीक है, साइन 37 इज इक्वल टू 3/5. अच्छा मैं तुमसे साइन 53 पूछ लेता तो क्या तुम नहीं निकाल पाते? साइन 53 बताओ. 4/5 ये है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा. तो साइन ही है, देखो है तो साइन ना यार. तो साइन को देखते ही मन में क्या ख्याल आता है? कुछ कुछ तो हो ही जाता है अपने को. क्या कुछ कुछ होता है? P/H. तो लेकिन अपने को पता है साइन ऑफ 53 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस. एंड फॉर दिस ट्रायंगल 53 है तो उसके सामने ये परपेंडिकुलर बनेगा. ये कितना है? 4. तो 4/5. बस मैंने आज साइन ही उठाया है. लेकिन देखो अब सुनो मेरे को, मैं तुम्हें ऐसा जैसे साइन बताया वैसे कॉस बताऊंगा, टैन बताऊंगा, कॉट बताऊंगा, कॉसेक सारी चीजें बताऊंगा. बट देखो मैंने क्यों इतना टाइम दिया साइन पे, क्योंकि एक बार साइन समझ गया ना, कॉन्सेप्ट यही है. सिर्फ साइन की जगह कोई और आ जाएगा, साइन की जगह कॉस आ जाएगा, फिर टैन आ जाएगा, फिर कॉट आ जाएगा, बट कॉन्सेप्ट यही होगा. क्या है? रेशियो. जैसे अभी सुनो, जैसे यहां पे अभी तक मैथमेटिशियन बैठे हुए थे आराम से, उन्होंने सिर्फ क्या देखा कि यार परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बार बार करके देखा, छोटे छोटे ट्रायंगल. जैसे देखो मैं अगर 10 ट्रायंगल बनाऊं, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर और बड़ा हो गया, ऐसे बड़े बड़े राइट एंगल ट्रायंगल छोटे छोटे डिफरेंट साइज के बनाए, और हर किसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किया, तो उन्हें एक पैटर्न मिला. वो किसके साथ? एंगल के साथ, उसके सामने वाला एंगल. तो वैसे ही जब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मिला तो कुछ किया. तो यार अभी तो बेस बैठा हुआ था, बेस बोला मेरे को तो टच ही नहीं किया यार, तो उसको भी ले लिया. फिर बोला अच्छा चल बेस अपॉन हाइपोटेनस करके देखते हैं क्या होता है. तो व्हेन दे डू रेशियो ऑफ, दे टेक रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, देन दे अगेन फाइंड सम अनदर पैटर्न. समझ में आ रही बात? वो कुछ और, वो उसी को क्या नाम दिया, वो जो पैटर्न था उसको क्या नाम दिया? कॉस. तो नेक्स्ट में हम लोग उसको करेंगे. ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, डन है आज के लिए. फिर नंबर 6 है ना. ठीक है, तो इसमें अभी पूछ लो, किसी को डाउट है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई डाउट किसी को? स्नेहल, स्नेहल, कृष्णा, नो, ओके, रिया, नो सर, ओके गुड. ठीक है, कोई डाउट होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग फिर कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है ना, तो अभी नेक्स्ट क्लास में मैं उसको कंप्लीट करूंगा, फिर हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे. देखो ये सिर्फ हम लोगों को क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि मैथमेटिशियंस खाली बैठते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे वो, तो उन्होंने एक पैटर्न फाइंड किया और दुनिया को कुछ दे गए वो, है ना. तो बस अपने को वही जी, उन्होंने क्या फाइंड करने की कोशिश की, फिर कुछ और मर्ज करेंगे वो, साइन और कॉस अलग अलग देखेंगे ना, फिर उसको भी मर्ज कर देंगे कि अच्छा चलो साइन और कॉस को मिक्स करके देखते हैं क्या होता है. तो बस हमें करते जाना है, लेकिन बेसिक्स यही है. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दूंगा. ठीक है, थैंक यू. स्क्रीनशॉट लिया? यस सर. ओके चलो फिर, थैंक यू, गुड डे.